नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कामयाब होना किसको ख्वाब नहीं होता। आज के समय में हर इंसान तरक्की पाना चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए सकारात्मक सोच के साथ सही योजना का होना बेहद ज़रूरी है, और ये सब कर दिखाया उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर धीराज सिंह गर्बयाल ने। उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच के साथ पौड़ी को वो रूप दिया, जिससे साफ है कि उत्तराखंड के अन्य जिलों को धीराज सिंह गर्बयाल जैसे जिला अधिकारी की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। मैं पौड़ी हूं। मेरे नाम को लेकर एक पौराणिक अनुश्रुति है कि यहां पार्युष नाम के ऋषि ने तपस्या की थी, तब इसका नाम पौड़ी पड़ा। लेकिन इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। कहा जाता है कि ये ढाकर जाने वालों की एक चट्टी थी, जिसे पड़ाव भी कहा जाता है। यही पड़ाव शब्द अपभ्रंश होकर पौड़ी हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि एक चट्टान यानी पोड़ के पास चटक धूप वाली जगह पर लोग बसे, और इसका नाम उसी पोड़ के कारण पौड़ी रख दिया गया। पोड़ के पास की बसावट ही पौड़ी गांव है, यानी मेरा नाम पौड़ी गांव से जुड़ा है। मैं पौड़ी हूं। पूरब से लेकर पश्चिम तक ठीक मेरे सामने नगाधिराज हिमालय की अद्भुत छटा दृष्टिगोचर होती है, और महान हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला जहां से दिखाई देती है वो मैं ही हूं। मेरे पश्चिम में स्थित पर्वत पर क्यों कालेश्वर मंदिर स्थापित है? पुराणों यानी स्कंद पुराण के केदार खंड में ये पर्वत कीनाश पर्वत के नाम से वर्णित है, जहां यमराज ने भगवान शिव की तपस्या की थी। केदार खंड के अनुसार कीनाश पर्वत के पूर्व में बजाड़ और पश्चिम में उजाड़ नाम के दो यम किंकरों के आश्रमों का उल्लेख है। ये स्थान आज बैंजवाड़ी और उजियाड़ी गांव के नाम से जाने जाते हैं। मैं पौड़ी हूं। मेरे ठीक ऊपर की धार की चोटी में कंडोलिया मंदिर स्थापित है। जब गढ़ चंपावत से डुंगरियाल राजपूत पौड़ी आए, तो वे अपने साथ अपने भूमियाल देवता गोरिल को कंडी में लेकर आए, तब इस भूमियाल देवता का नाम कंडोलिया पड़ा। यहां पहली प्रेस 1913 में लगी, जहां से विशाल कीर्ति समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 1840 में गढ़वाल को अल्मोड़ा से अलग जिला बनाया गया। इस नए जिले पौड़ी में पहली कोर्ट पौड़ी गांव के लक्ष्मण सिंह पटवारी के पैतृक घर में लगती थी। 1864 में अमेरिकन पार्कर बंधुओं ने मिशन स्कूल की स्थापना की। 1889 में गडोली में मेथोडिस्ट चर्च स्थापित किया गया। यहां गडोली में पहला चाय बागान 1868 में स्थापित किया गया। 1902 में पहला जेएम मेसमोर हाई स्कूल बनाया गया। उन्होंने जुबली चर्च की भी स्थापना की, और मिशनरीज द्वारा जनसंपर्क की भाषा में गढ़वाली का उपयोग किया। मैं पौड़ी हूं। यहां 1870 में टेनिस कोर्ट स्थापित किया गया, जिसे आज गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। यहां संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के चौथे गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत का बचपन बीता है। मेरे यहां की रामलीला 121 साल पुरानी है। पारसी थिएटर शैली में होने वाली यहां की रामलीला
राग आधारित शास्त्रीय गायन शैली में होती है। मैं पौड़ी हूं, यहीं से अगस्त 1994 में शुरू हुए आंदोलन की बदौलत ही उत्तराखंड नाम से जाना जाने वाला देश का 27वां राज्य अस्तित्व में आया। यहीं से इस लोक के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली गीत संगीत की रसीली धारा प्रवाहित करते हैं। मैं पौड़ी हूं, वही पौड़ी जहां आप सब एक साथ मेरे इतिहास को सुनते हुए, मेरे वर्तमान को देखते हुए, मेरे भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं। अब देश और दुनिया से आने वाले लोग मेरे इतिहास और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा रखने वाले लोग मेरे नए स्वरूप को देखेंगे। यहां उन्हें लोक शैली में अत्याधुनिक सुविधा युक्त कंडोलिया पर्यटन पार्क मिलेगा, जहां वे घने देवदारों के बीच हंसते खेलते हुए आनंदित होंगे। पौड़ी के नए मॉल रोड पर विचरण करते हुए ग्रीष्मकाल में ठंडी हवाओं और शीतकाल में बर्फबारी का आनंद उठाएंगे। मैं पौड़ी हूं, यहां आने वाले लोग मेरे सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर पर्वतीय काष्ठ शिल्प के झरोके के साथ, हिमालय की चौखंबा चोटियों के साथ अपनी तस्वीरें क्लिक कर अपनी यात्रा को यादगार बनाएंगे। पौड़ी की चेरी ब्लॉसम रोड से पर्यटक गर्मियों में सूर्यास्त के रोमांचक दृश्य और सर्दियों में खूबसूरत विंटर लाइन के दीदार करेंगे। यहां की हेरिटेज स्ट्रीट मेरी विरासत का बखान करेगी, जो यहां आने वाले पर्यटकों, अध्येताओं और दर्शकों को अपने अपने शहरों में इसी तरह की स्थापनाओं के लिए प्रेरित करेगी। मैं पौड़ी हूं, मेरे साथ एक यादगार अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो कि हंटर्स हाउस कहलाएगा। तब हमारे समय के लिविंग लेजेंड जॉय हुकिल अपनी जान पर खेलकर आदमखोर गुलदारों और नरभक्षी बाघों के आतंक से त्रस्त जनमानस को मुक्ति दिलाने की अपनी कथाएं स्वयं सुना रहे होंगे। मैं पौड़ी शहर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे वर्तमान भविष्य को देखते हुए, अपने शहर को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करें। अंत में मैं कंडोलिया पर्यटन पार्क में आने वाले आप सभी महानुभावों का, देवियों और सज्जनों का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। गढ़वाल की सांस्कृतिक नगरी पौड़ी नहीं देखी तो क्या देखा, इसलिए कहते हैं कि एक बार पधारो पौड़ी। इसे पर्यटन मानचित्र पर एक जगह दिलाने के लिए भी जिलाधिकारी धीराज जी का अहम योगदान रहा। डीएम धीराज की कोशिशों से पौड़ी जिले में बहुआयामी पार्क बनाया गया। डीएम धीराज सिंह गढ़वाल पौड़ी को पर्यटन मानचित्र पर जगह दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं। जुलाई 2019 में बहुआयामी पार्क के लिए व्यापक स्तर कार्य योजना तैयार की गई थी, जिस पर तेजी से काम हुआ। अगर डीएम धीराज सिंह गढ़वाल जैसे ऑफिसर उत्तराखंड के और भी जिलों को मिल जाए तो वाकई उत्तराखंड की तस्वीर तो बदल ही जाएगी, साथ यहां होने वाले पलायन पर भी विराम लग जाएगा। ऐसे ईमानदार और साफ छवि के ऑफिसर को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी सलाम करता है।